व्यापम जल्द जारी करेगा प्रवेश परीक्षाओं के लिए अधिसूचना। विभिन्न विषयों में प्रदेश भर से लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। 50,000 से ज्यादा छात्र लेते हैं प्रवेश और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने 58% तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब परीक्षाओं की अधिसूचना है वो जल्द ही जारी होगी। व्यापम जल्द जारी करेगा विभिन्न विषयों में प्रदेश भर से लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं और 50,000 से ज्यादा छात्र प्रवेश लेते हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को हरी झंडी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता स्वाति कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वाति, विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे अब जल्द ही व्यापम अधिसूचना जारी कर सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही व्यापम जो है वो अपनी अधिसूचना जारी कर सकता है। अधिसूचना के साथ जो पुराने पेंडिंग प्रमोशन है उसके लिए भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में लंबे समय से ही आरक्षण का जो मामला है वो लटका हुआ था कोर्ट में। उसके बाद विधेयक और तमाम जो सारी जो चीजें हैं वो चली हैं। अब उसके बाद बिल्कुल सरकार की तरफ से भी, अभी हमने देखा था बेरोजगारी भत्ता देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद कहा था कि जिस दिन ये आरक्षण का मसला सुलझ जाएगा उस दिन प्रदेश में बहुत से पदों पर बहाली होगी और बहुत से पदों के लिए नियुक्तियां जो है वो निकलेंगी। तो बिल्कुल ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि लगभग 2.5 लाख पद जो है वो रिक्त हैं, उन पर भर्तियां जल्द से जल्द शुरू हो सकती हैं। बिल्कुल स्वाति, लेकिन दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, क्योंकि विधेयक जो है अभी भी राजभवन में लंबित है और ऐसे में 76% आरक्षण का भी मुद्दा उसमें है और ऐसे में लगातार बीजेपी पर हमलावर सरकार होती रही है कि हम बीजेपी का जो युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है उसके तहत ये संघर्ष जारी रहेगा, फिलहाल 58% आरक्षण पर ही भर्तियां होंगी। हाँ जी बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस पर उन्होंने बिल्कुल ये कहा है, लेकिन उसके साथ ये भी क्लियर होता है कि अगर जो प्रदेश में जो मांग की गई है आरक्षण की, अगर वो रुकी हुई है लेकिन 58% वाला जो मामला है वो क्लियर हो गया, तो 58% पर जो भर्तियां और जो रोस्टर प्लान है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी की चीजें जब क्लियर होंगी तब उसके तहत फिर आगे की रणनीति, आगे की जो प्लानिंग है वो की जाएगी। तो लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो क्लियरिटी मिली है उसके हिसाब से यही तय किया गया, यही निकल कर सामने आ रहा है कि बचे हुए पदों पर कहीं ना कहीं और बचे हुए एग्जाम, जिनके कई एग्जाम ऐसे थे जिनका नोटिफिकेशन आ चुका था लेकिन वो एग्जाम नहीं हो पाए हैं, तो इस पर अभी सरकार जो है वो अपना फोकस बनाकर रखेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वाति तमाम जानकारी के लिए।